हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आप रेगुलर ब्रश करते हो लेकिन ब्रश करने के बाद भी मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है, तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि हम तो रेगुलर ब्रश कर रहे हैं फिर भी हमारे मुंह से स्मेल क्यों आती है। आज का जो मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि ब्रश करने के बाद भी मुझसे स्मेल क्यों आती है, क्या कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे मुंह से बदबू से छुटकारा पा सकते हैं, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो जब हमारे मुंह से स्मेल आती है तो हमें ऐसे फील होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, ऐसे लगता है कि उनको बदबू आ रही होगी। तो इस तरीके से जो फीलिंग होती है इसकी वजह से हमें एक अच्छा बात करने का जो हमारा तरीका है वो चेंज हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो आप इस परेशानी से जूझ रहे हो तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको कारणों के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे मुंह से आखिर बदबू आती क्यों है, क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके मुंह में, अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, फ्लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हो, खाना खाने के बाद कुल्ले नहीं करते हो, तो हमारा जो खाना है वो दांतों के बीच में फंस जाता है और उस ये जो फंसा हुआ खाना कुछ दिनों तक रह जाता है तो हमारे मुँह से स्मेल आते हैं। एक तो ये कारण होता है। दूसरा, अगर आपके आपके मसूड़ों की बीमारी है, जैसे कि पायरिया की प्रॉब्लम है या फिर जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है, मसूड़ों में सूजन है, पस बनी हुई है, तो भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। इन सब के अलावा अगर आपके अक्कल दाढ़ में दर्द या अक्कल दाढ़ में प्रॉब्लम है, क्या होता है कि हम पूरे दांतों को अच्छे से ब्रश कर पाते हैं लेकिन हमारी जो विजडम टूथ है वहाँ तक अच्छे से ब्रश नहीं पहुँच पाता है, और जब वो इरप्ट होता है तो वहाँ का जो स्पेस होता है वहाँ पे खाना है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। खाना इकट्ठा होने की वजह से वहाँ बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और हम ब्रश भी कर लेते हैं उसके बाद भी हमारे मुंह से उन बैक्टीरिया की वजह से बदबू आती रहती है। तो अक्कल दाढ़ की वजह से भी हमारे मुंह से बदबू आ सकती है। इन सब के अलावा अगर आपकी जीभ क्लीन नहीं है, टंग अच्छे से साफ नहीं है, तो वहाँ पे एक येलो या वाइट कलर की लेयर बन जाती है, तो उस पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिसको हम ओरल थ्रश या फिर कैंडिडाइसिस कहते हैं। तो अगर आपके टंग पे फंगल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। इन सब के अलावा अगर आपके प्री कैंसरस लीजन है, प्री कैंसरस लीजन्स का मतलब हो गया कि ल्यूकोप्लाकिया या ओरल सब म्यूकोस फाइब्रोस, यानी कि स्ट्राइप्स बन जाते हैं वाइट कलर के आपके म्यूकोसा पे, गाल पे, होठों के अंदर की साइड वाइट रंग के पैचेस बन जाते हैं, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपके मुँह से स्मेल आ सकती है। अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है, यानी कि पेट में खराबी है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की शिकायत है, तो भी आपके मुँह से स्मेल आ सकती है। अगर आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, या फिर अगर आपके कोई भी सिस्टमिक डिजीज जैसे कि कोई किडनी में प्रॉब्लम या लीवर में इन्फेक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में भी, क्योंकि हम इनको रोकने के लिए मेडिसिंस लेते हैं, तो जो मेडिसिंस का साइड इफ़ेक्ट होता है उससे भी हमारे मुंह से स्मेल आती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं मुंह से बदबू आने के। अगर आपके साइनस की प्रॉब्लम है या फिर आपके गले में इन्फेक्शन है, तो उस वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। इन सब के अलावा अगर खाने में तंबाकू गुटखा या सिगरेट स्मोक करते हो तो उस वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। लहसुन और प्याज जो खाना बहुत ज़्यादा ऑर्डर यानी कि स्मेल करता है, वो अगर आप खाना खा रहे हो तो आप ब्रश भी करते हो उसके बाद भी मुंह से स्मेल आती है, तो खाने की वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकती है। ये तो कारण है, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, हम अब जानेंगे कि इसका इलाज क्या है, इसको कैसे हम घर पर मुंह से आने की बदबू को रोक सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं, और डेंटिस्ट इसका क्या इलाज करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो इसके कारण को हम अगर हटा दीजिए, कारणों पे ध्यान दें, तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिगरेट स्मोक करते हो, तो आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो, तो इनको आप छोड़ सकते हो, छोड़ के इसको आप अपने मुँह की स्मेल को ठीक कर सकते हो। अगर आपकी टंग क्लीन नहीं है और टंग की वजह से स्मेल आ रही है, तो आप रेगुलरली टंग क्लीनर से टंग को साफ़ कीजिए, तो उसकी वजह से आने वाली बदबू उससे आप बच सकते हैं।
इन सब के अलावा अगर पायरिया की प्रॉब्लम है, यानी कि मसूड़ों में इन्फेक्शन पस बन गया है और उसकी वजह से आपकी स्मेल आ रही है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके एक बार क्लीनिंग जरूर करवानी चाहिए। अगर आप स्केलिंग करवा लेते हो तो आपकी पस है वो सारी निकल जाती है, और फिर आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिंस देते हैं, उनका इस्तेमाल करके आप अपने मुँह से बदबू से छुटकारा पा सकते हो। अगर आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इसको आप ठीक कर सकते हो, इससे भी बच सकते हो। कोई भी सिस्टेमिक बीमारियां, जैसे कि अगर आपके डायबिटिक, हाइपरटेंशन, लीवर डिजीज़, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से अपने मुंह की स्मेल को रोक सकते हो और इससे बच सकते हो। तो ये तो है कारण। अब ये जानते हैं चाहे किसी भी कारण से आए तो घर पर हम क्या करें, क्या किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम मुँह की स्मेल से बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है नमक के पानी से कुल्ले करना। अगर किसी भी कारण से आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो आपको क्या करना है, एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, एक चम्मच नमक ऐड करना है और उससे अच्छे से कुल्ले कीजिए। उससे कुल्ले करने से, क्योंकि नमक है वो नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, ये आपके मुंह में पनप रहे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके मुंह से बदबू करते हैं, उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो आपके मुंह से आने वाली बदबू को दूर करता है। नेक्स्ट है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में भी एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, साथ ही एंटी फंगल गुण भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, ताज़ा अमरूद की पत्तियों को पानी में उबालना है और उबले हुए पानी में एक चम्मच नमक डालना है, उसको छान कर उससे आपको कुल्ले करने हैं। उससे कुल्ले करने से भी आपके जितने भी मुंह के बेड बैक्टीरिया होते हैं, जो बेड ब्रीथ मतलब डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और आपके मुंह से आने वाली बदबू को रोक सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। इन सब के अलावा सरसों का तेल, आप थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए और उससे अपने मसूड़ों की अच्छे से मसाज कीजिए। अगर मसूड़ों की वजह से स्मेल आ रही है, मसूड़ों में कोई पस है या फिर पायरिया या जिंजिवाइटिस की वजह से स्मेल आ रही है, तो उससे मसाज करने से उससे रिलीफ मिलेगा और आपके मुँह से जो बदबू आ रही है वो भी दूर होती है। आप सौंफ का सेवन कर सकते हो, एक चम्मच खाने के बाद आप सौंफ खाइए, इससे आपके एक तो आपने जो खाना खाया है जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल है वो दूर होगी, दूसरे अगर आपके पेट में कब्ज की या डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है और आपके मुंह से स्मेल को भी ये दूर करता है। तो आप एक चम्मच सौंफ में थोड़ा सा चीनी या मिश्री मिक्स करके भी खा सकते हो। मोस्टली हम रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं या घर में भी हम खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करते ही हैं, तो उससे भी हमारी बेड ब्रीथ दूर होती है। इन सब के अलावा ऑयल पुलिंग, अगर आप हफ्ते में 2 बार ही ऑयल पुलिंग करते हो तो उससे भी आप मुँह की बहुत सारी बीमारियाँ दूर कर सकते हो और मुँह से स्मेल आने की प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हो। ऑयल पुलिंग में आपको 1 या 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है, उसको मुंह में अच्छे से कुल्ली करना है, फिर स्पिट कर देना है। ये प्रक्रिया आपको 10 मिनट तक करनी है। ऑयल पुलिंग करने से मुंह और मसूड़ों से रिलेटेड बीमारियां भी दूर होती है, बेड ब्रीथ की प्रॉब्लम भी दूर होती है। साथ ही हमेशा अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, ब्रश के साथ फ्लॉस जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप फ्लॉस करते हो तो इससे आपके जो दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना है वो निकल जाता है, और फ्लॉस करने के बाद जब आप कुल्ला कर लेते हो तो खाना है वो अच्छे से निकल जाता है और फिर वहाँ उसकी वजह से जो बदबू आने वाली होती है उससे भी आप बच सकते हो। कभी कभी दांतों में सडन या कैविटी की वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकती है, क्योंकि उसमें खाना फंस जाता है। तो अगर आपके दांतों में खाना फंस रहा है तो आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए, और कैविटी है तो कैविटी को फिल करवा लीजिए। कैविटी जब फिल हो जाएगी, वहाँ कुछ नहीं फंसेगा, तो आपके मुंह की जो बदबू है वो भी आप दूर कर सकते हो। इन सब के अलावा है तुलसी का पत्ता। आप तुलसी के 2 या 3 पत्तों को नॉर्मल कच्चा चबा भी सकते हो, या फिर आप उनको गर्म पानी में थोड़ी देर उबाल कर उसको छान कर उसका जो रस होता है उससे कुल्ले भी कर सकते हो। इससे भी आपके दांतों और मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और मुंह की स्मेल से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। अच्छी चीज़ है मुंह की स्मेल को हमेशा के लिए दूर करने के लिए, वो है लौंग। जब भी आपके मुंह से स्मेल आए, आपको ऐसे फील होए, तो आप एक लौंग लीजिए और उसको अच्छे से मुँह में रखिए और कुछ देर तक उसको चबाइए।
उसके चबाने से भी, जिसकी वजह से गंदी स्मेल आती है, वो बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपके मुंह की स्मेल भी दूर होती है और आपके डाइजेशन भी अच्छा रहता है। याद रखें कि बहुत ज़्यादा लौंग नहीं चबाने हैं, एक या दो लौंग आप दिन में चबा सकते हो, उससे भी आपके मुँह की स्मेल दूर होती है। तो इन तरीक़ों से आप अपने मुँह की बदबू से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। अगर आपके कोई भी सिस्टमिक जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर आपके अल्सर की प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आप माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप माउथ वॉश से कुल्ले करते हो तो, क्योंकि इसके ये जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों की वजह से अक्सर स्मेल आती है, तो आप अगर माउथ वॉश का, जब आप खाना खा लिया तब माउथ वॉश कर लिए, हर 3 से 4 घंटे में अगर माउथ वॉश इस्तेमाल करते हो तो इससे भी आपके मुँह की स्मेल है वो कम होती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।